Welcome back again, and we have to study about work over here. First law of thermodynamics हमने study किया. First law के बाद जो हमारे पास यहाँ पे topic है, वो है pressure volume work. Specifically, last time हम लोग बात कर रहे थे work के बारे में. Normally work is basically okay. हमने देखा था force into displacement. लेकिन हम thermodynamics में specifically जो work देखने वाले हैं, वो है pressure volume work. Let me explain you over here. Suppose हमारे पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर हमने यहाँ पे 1 mole गैस फिल कर रखा है. What we have done? 1 mole. And यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो पिस्टन है. वो क्या है? पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन विच कैन मूव इन मूव आउट. ओके, नाउ सपोज इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे जो एक गैस था इसका वॉल्यूम वी आई है और इसके अंदर गैस भरा हुआ तो इसका भी तो प्रेशर होगा. लेट्स कॉल इट प्रेशर पी है, या तो आप पी इंटरनल भी बोल सकते हो और ये प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर है. सो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वी आई, इनिशियल वॉल्यूम, एंड द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड इज पी. नाउ अभी हम क्या करने वाले हैं यहां पे, ओके, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इंटरनल प्रेशर से ज्यादा रखेंगे. व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू कीप द एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से ज्यादा, एंड उसकी वजह से ये अंदर जाएगा एंड इसका वॉल्यूम कम हो रहा है. ये एक प्रोसेस हो रही है. एक्सटर्नल प्रेशर जब आप ज्यादा रखते हो इंटरनल प्रेशर से, देन इट विल गो इनसाइड एंड एट दैट टाइम वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बिकॉज यू आर सप्लाइंग द एनर्जी. ओके, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. बट उसमें दो केसेस हम देखने वाले. केस वन, व्हेन द प्रेशर इज कॉन्स्टेंट. प्रेशर इज कॉन्स्टेंट मतलब क्या है? यहाँ पे जो हमने बाहर का प्रेशर लगा रखा है एक्सटर्नल प्रेशर, इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रेशर. एक साथ इक्वल प्रेशर पे हमने यहाँ पे रखा हुआ है, एंड विच इज ग्रेटर देन द इंटरनल प्रेशर, पी इंटरनल. ओके, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन द इंटरनल प्रेशर, पिस्टन मूव्स टुवर्ड्स द इनसाइड, एंड वो कब तक जाता रहेगा ये पिस्टन अंदर कब तक जाएगा? जब तक ये एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर इक्वल नहीं हो जाते. जैसे इक्वल होंगे, नाउ यू कैन नॉट मूव फर्दर इनसाइड, स्टॉप हो जाएगा. स्टॉप होके लेट्स से कि उस टाइम पे इसका जो वॉल्यूम है इट हैज बिकम फाइनल वॉल्यूम वीएफ, एंड टू अचीव दैट प्रोसेस दिस पिस्टन हैज कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ लेंथ एल. इट हैज कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ लेंथ L, and if we take the cross section area of this cylinder, let us take it capital A. Then kya kya hota jara samajhte hain. Let this change be achieved in a single step. Ek hi step mein hua, and the final volume is VF. Suppose pistons move a distance of L and its cross section area of the piston is A. Then the चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? जब यहां से यहां पे जा रहा वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, तो दैट शुड बी ऑब्वियसली एल इंटू ए. ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डिस्टेंस, बिकॉज दिस इज सिलेंडर. सिलेंडर के लिए वी नो पाई आर स्क्वायर एच होता है, एंड पाई आर स्क्वायर इज बेसिकली क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड एच इज द डिस्टेंस कवर्ड. ओके, एंड दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, एंड डेल्टा वी शुड बी ऑलवेज इक्वल टू, अगर ये फाइनल वॉल्यूम है और ये इनिशियल वॉल्यूम है, डेल्टा वी शुड बी वीएफ माइनस वीआई. डेल्टा वी क्या होना चाहिए? वीएफ माइनस वीआई. नाउ जरा ध्यान से देखते, वी नो दिस फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन एरिया, करेक्ट नॉट? फोर्स इक्वल्स टू व्हाट? एंड ओके, देयरफॉर फोर्स इन द पिस्टन क्या होगा? प्रेशर हमने लगा रखा था पी एक्सटर्नल. माफ करना, मैंने यहाँ पे गलत मैं बोल दिया, वापस मैं बोलता हूँ. नाउ फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, बिकॉज प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया. सो फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया. तो ये हमारे पास क्या है? प्रेशर इनटू एरिया. ये आपके पास क्या है? फोर्स. एंड देयरफॉर फोर्स इन द सिस्टम कितना होगा? प्रेशर को लिया था हमने पी एक्सटर्नल, और एरिया क्या है? Now obviously work done W equals to what? Force into distance. But force क्या है हमारे पास? P external into A, and the distance कितना था? L.
बट ए इंटू एल क्या होगा, डेल्टा वी, बट मैंने यहाँ पे माइनस डेल्टा वी लिया है, क्यों माइनस डेल्टा वी लिया आई एक्सप्लेन यू, ओके। बट मैंने अभी क्या लिया, पी एक्सटर्नल इक्वल टू क्या ले लिया, माइनस डेल्टा वी, देन इट बिकम्स माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी और माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी एफ माइनस वी एफ, ओके। ये हमें एक फॉर्मूला मिलता है, अगर प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है लाइक दिस, ऐसे सिस्टम के अंदर जहां पे आप एक्सटर्नल प्रेशर एक साथ कांस्टेंट बढ़ा रहे हो और उसकी वजह से वॉल्यूम चेंज होता है, देन द वर्क डन विल बी ऑलवेज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, या तो फिर माइनस पी वी एफ माइनस वी आई। व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन वी आर टेकिंग माइनस साइन ओवर हियर, एक्चुअली जरा ध्यान से समझना, ओके। इन दिस केस इज आई वाज टॉकिंग टू यू के ये केस में वी आर डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम एंड अकॉर्डिंग टू ओके फ्लोट दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क डन ऑन द सिस्टम शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हाट शुड बी द वर्क डन ऑन सिस्टम, इट शुड बी पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहां पे वर्क डन कैसा होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था, करेक्ट ऑनर। अच्छा मुझे बताओ, जब यहां पे वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इज वी एफ एंड वी आई में अगर कंपेरिजन करते हैं, आर दे इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल। इज वी एफ ग्रेटर देन वी आई, नो, हियर वी एफ इज स्मॉलर देन वी आई। अगर वी एफ स्मॉलर देन वी आई है, देन वी एफ माइनस वी आई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंड अगर हमें वर्क पॉजिटिव बनाना है तो ये माइनस साइन को क्या करना पड़े, पॉजिटिव, इसलिए मैंने आगे माइनस लगाया। और एक चीज जरा ध्यान से देखिए, सपोज इससे उल्टा प्रोसेस होता है, सपोज रिवर्स हो रहा है, मतलब अगर सपोज अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है और ये बाहर जा रहा है, देन द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, देन द वर्क इज डन एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव वर्क, ओके। बट जब वो उल्टा जाएगा तो ये वी एफ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वी आई। एट दैट टाइम वी एफ इज ग्रेटर देन वी आई, ओके, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम शुड बी क्या होना चाहिए था, नेगेटिव, और ये क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता, ये क्या हो जाता, पॉजिटिव। तो आगे नेगेटिव लगाने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। तो मैंने यहां पे ऑलरेडी काफी अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, ओके, व्हाट आई एक्सप्लेन यू, द नेगेटिव साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कन्वेंशनल साइन फॉर द वर्क विच विल बी पॉजिटिव ओवर हियर इन दिस केस, बिकॉज कंप्रेशन था, वर्क डन था ऑन द सिस्टम था, hence vf minus vi will be negative, in this case vf minus vi negative hai, to multiply by negative it will become positive, okay, are you getting this? to humne pressure volume work dekha pehle case mein jahan pe okay pressure constantly apply kar rahe the, abhi hum sikhne wale hain okay pressure volume work jahan pe pressure is not constant। प्रेशर इज नॉट कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है मालूम है, हमारे पास जो ये वाला है और यहां पे गैस भरा हुआ है, इसके ऊपर जो ये सिलेंडर है और जो प्रेशर एक्सटर्नल लग रहा है यहां पे, वो एक साथ नहीं बढ़ाते, धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड धीरे धीरे ये सिलेंडर के अंदर पिस्टन जा रहा है, स्लोली स्लोली, ओके। प्रेशर इज नॉट कॉन्स्टेंट, उसमें दो केस देखने वाले हैं, पहला वाला देखने वाला है वो है कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब क्या है, वी आर डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम, वी आर सप्लाइंग द वर्क, करेक्ट और नॉट। सी आई वॉज टॉकिंग टू यू अबाउट दिस, इफ वी इंक्रीज प्रेशर स्लोली स्लोली एट ईच एंड एवरी स्टेप, सो प्रेशर इज ऑलवेज इनफाइनेटिसमली ग्रेटर, हर छोटे छोटे स्टेप पे प्रेशर बढ़ेगा देन द प्रेशर ऑफ द गैस, मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर है इज एट इनफाइनेटिसमली स्मॉल स्टेप पे इससे थोड़ा ज्यादा होगा, इनफाइनेटिसमली स्मॉल दैट मीन्स अवर थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल प्रोसेस, डू यू रिमेंबर दैट, इनफाइनेटिसमली स्मॉल में ऐसा होता है, ठीक है। Let's see the second case where the pressure is not constant. Pressure is not constant का मतलब क्या है कि जब आप यहां पे ये प्रेशर दे रहे हो, एक्सटर्नल प्रेशर, वो एक साथ नहीं बढ़ा रहे हो,
धीरे 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 इन्फाइनिटिस्मली बढ़ा रहे। इन्फाइनिटिस्मली का मतलब ये होता है एट अ वेरी माइन्यूट स्टेप पे बढ़ा रहे हो, एंड व्हेन यू इंक्रीजिंग इट ये थोड़ा सा ही ज्यादा होगा इंटरनल गैस के प्रेशर से, और हर बार हर एक स्टेप में बढ़ाते जाओगे तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो होता है वो इस तरीके से रहेगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये एक ग्राफ बनता है। एंड नॉर्मली अगर आपको जब काफी स्लो स्टेप पे ना, तो हमेशा क्या करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि यहां पे प्रेशर कितना चेंज हुआ और वॉल्यूम कितना चेंज हुआ। आई विल कम बैक टू दिस। एट ईच स्टेज ऑफ कंप्रेशन द वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय एन इनफिनिटेसिमल अमाउंट डीवी। व्हेन यू इंक्रीज प्रेशर ओके, वॉल्यूम के अंदर जो चेंज होने वाला है बहुत ही छोटा होने वाला है। वॉल्यूम के अंदर चेंज जो होने वाला है क्या होना है, बहुत ही छोटा, बिकॉज हम प्रेशर में भी बहुत ही छोटा चेंज लेके आ रहे हैं। सो ओके, अगर मुझे इसका वर्क फाइंड करना है तो मैंने एक फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव करके रखा है। ये फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूं कैसे डिराइव करते हैं। ओके, काफी सिंपल सा चीज है। एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए मालूम है, जरा देखिए हम क्या करेंगे। सपोज यहां पे ये जो हमारा पिस्टन था उसको हमने बहुत ही छोटा सा प्रेशर लगा के यहां पे लेके आए, तो प्रेशर चेंज, प्रेशर बहुत ही कम बढ़ाया। लेट से चेंज इन प्रेशर डीपी है और उसकी वजह से चेंज इन वॉल्यूम क्या है डीवी, देन द वर्क क्या होगा डीपी इंटू डीवी, वो छोटा सा वर्क होगा डीडब्ल्यू, इतने के लिए वर्क। फिर वापस थोड़ा सा बढ़ाया और यहां पे आया, मैं अलग अलग कलर यूज कर रहा हूं ताकि पता चले, तो वो स्टेप टू हुआ, फिर स्टेप थ्री हुआ, फिर स्टेप फाइव हुआ, एंड धीरे धीरे यहां पे लेके आना है। और मैं तो यहां पे 10-12 स्टेप कर रहा हूं, 10-12 भी नहीं, वो लाखों स्टेप में डिवाइड किया गया है, इतने छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड किया गया है, और हर एक स्टेप के लिए वो वर्क को फाइंड करते हैं एंड फिर उनको सबको एड करना पड़ेगा DW1 प्लस DW2 प्लस DW3, एंड मैथमेटिकली उसको बोलते हैं, हमें इन सबको जो एड करना होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इनिशियल लिमिट वॉज VI एंड फाइनल लिमिट वॉज VF, प्रेशर एक्सटर्नल इंटू DV। क्या करोगे आप, DV मतलब माइन्यूट चेंज होता है, ये आपको वर्क मिलता है। W इक्वल्स टू माइनस, ओके, माइनस साइन किसके लिए, वो कन्वेंशनल साइन लेके आने के लिए, ओके, VI से VF, P एक्सटर्नल DV, ओके, ये इंटीग्रेशन के बेस पे यूज करते हैं। हियर P एक्सटर्नल इज एट ईच स्टेज, जो P एक्सटर्नल होगा इट विल बी ऑलवेज P इंटरनल प्लस DP होगा, क्योंकि आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर होना चाहिए वो इंटरनल प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए हर एक स्टेप पे। कब, जब हम कंप्रेशन कर रहे हैं, कब, जब हम कंप्रेशन कर रहे हैं। अगर उसकी जगह पे अगर हम एक्सपांशन कर रहे होते तो एक्सपांशन में उल्टा है, इस बार इंटरनल प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, इंटरनल प्रेशर से भी तो ही वो बाहर जाएगा। एक्सपेंशन मतलब ये वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सेकंड केस इज व्हाट, एक्सपेंशन, द एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन द इंटरनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, मतलब पी एक्सटर्नल विल बी पी इंटरनल माइनस डीपी। सो इन जनरल केसेस अगर दोनों केस को साथ में लेते हैं तो पी एक्सटर्नल इक्वल टू क्या रहेगा, P इंटरनल प्लस और माइनस डीपी, अगर जनरल लेते हैं तो। ओके, सो अभी ये जो प्रोसेस हो रही है जिसमें प्रेशर कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे इनफाइनिटिसिमल बढ़ रहा है, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो उस टाइम पे जो वर्क होगा वैसे वर्क को क्या बोलेंगे, वर्क रिवर्सिबल इक्वल्स टू नेगेटिव VI टू VF P एक्सटर्नल DV, ये लिख सकते हो।
पी एक्सटर्नल को हम रिप्लेस करेंगे किससे? पी इंटरनल प्लस और माइनस डीपी इंटू डीवी। ओके, अगर हम इसको एक्सपांड करते हैं तो ये होगा पी इंटरनल डीवी प्लस और माइनस डीपी डीवी। दो चीज होगी, पी इंटरनल इंटू डीवी प्लस और माइनस डीपी डीवी। बट डीपी एंड डीवी दे आर सो स्मॉल दे कैन बी निग्लेक्टेड। तो इसको हम निकाल देंगे, ये सीधा बनेगा पी इंटरनल, माफ करना, ये बनेगा पी इंटरनल डीवी। वो सीधा क्या बनेगा? पी इंटरनल डीवी। इज दिस फाइन? ओके, दो मिनट के लिए यहां पे फिर आ जाते हैं। बट हम जो बात कर रहे हैं वो तो ये सिलेंडर के लिए बात कर रहे थे। पी इंटरनल क्या होता है? ये सिलेंडर के अंदर का गैस, और वो गैस के लिए फॉर्मूला क्या है? पी इक्वल्स टू एनआरटी बाई वी, बिकॉज पी वी इक्वल टू एनआरटी है। तो उसको हम यूज करेंगे, इंस्टेड ऑफ पी इंटरनल वी आर गोइंग टू राइट डाउन एनआरटी बाई वी। क्या लिखेंगे? पी इंटरनल की जगह क्या लिखेंगे? एनआरटी बाई वी, बट डीवी बाई वी हो जाएगा। So W reversible equals to क्या मिला? VI to VF NRT DV by V। अच्छा, अभी ये N कोई भी गैस की क्वांटिटी आप लोगे इसके अंदर, उसके मोल हमेशा कांस्टेंट रहते हैं ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस क्या रहेगा? N इज कांस्टेंट। ऑब्वियसली R इज कांस्टेंट, गैसेस कांस्टेंट है। T हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे हैं, मतलब ये तीनों कांस्टेंट है। ये तीनों बाहर चले जाएंगे तो बीच में और एक स्टेप आता है, मैंने यहां पे नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं, वो आएगा। ओके, दैट इज इक्वल्स टू माइनस एनआरटी वीआई टू वीएफ एलएन, सॉरी डीवी बाय वी। क्या आएगा यहां पे? वापस लिखता हूं मैं उसको, और एक स्टेप आएगा इसकी जगह पे, यहां से इक्वल्स टू माइनस एनआरटी वीआई टू वीएफ डीवी बाई वी। एक नया स्टेप आएगा इसके बीच में, इन दोनों के बीच में। और याद रखना, ओके, मैथ्स में आप लोग पढ़ाई करोगे, अभी नहीं सीखा है, अगर आपको ये दिया गया है डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, वो हमेशा आता है एलएन वी एफ अपॉन वी आई। क्या आता है? एलएन वी एफ, आपको फिजिक्स में सिखाया गया शायद एलएन। तो वही स्टेप यहां पे आया, इसलिए मैंने बीच में ये स्टेप नहीं रखा हुआ है। सीधा हम लिखेंगे एनआरटी बाहर निकल गया, डीवी बाई वी का क्या मिला? एलएन वीएफ बाई वी आई। अच्छा, एलएन का मतलब होता है लॉग टू द बेस ई। देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉग्स, सपोज लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, उसको हम लिखते हैं एलएन एक्स। और दूसरा लॉग होता है, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं बाय द वे। दूसरा लॉग होता है लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10। ओके, ऊपर वाला नेचुरल लॉग था और इसको स्टैंडर्ड लॉग बोलते हैं, नॉर्मल लॉग बोलते हैं। हम केमिस्ट्री में नॉर्मल लॉग में डील करते हैं, नेचुरल लॉग में नहीं। अगर ln x को इसके अंदर कन्वर्ट करना है, देन ln x इज ऑलवेज इक्वल टू 2.303 log x। ln को 2.303 से मल्टीप्लाई, तो आपको यह मिलता है। So, अगर मुझे ये ln था उसको नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करना है, देन W रिवर्सिबल इक्वल्स टू माइनस 2.303 NRT log VF by VI। NRT log VF by VI। मैंने क्या पढ़ाया आपको? मैंने दो चीज पढ़ाई। शुरुआत मैंने कहां से की? तो शुरुआत की मैंने प्रेशर वॉल्यूम वर्क से। प्रेशर वॉल्यूम वर्क की जब हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमने एक लिया सिलेंडर जिसके अंदर प्रेशर डाल रखा था, पिस्टन डाल रखा था। केस वन लिया, जब प्रेशर कांस्टेंट है तब वर्क कितना होता है? तब हमने देखा W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा, करेक्ट और नॉट? सेकेंड केस में हमने देखा कि वो कांस्टेंट नहीं, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, एंड धीरे धीरे चेंज में रिवर्सिबल में हमने कंप्रेशन भी देखा और एक्सपांशन भी देखा। कंप्रेशन और एक्सपांशन दोनों में हमने देखा कि अगर आपको W रिवर्सिबल फाइंड करना है, देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला।
W reversible equals to minus 2.303 nRT log Vf by Vn. कई बार क्या होता है जरा ध्यान से देखना, ओके हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं बताया बट हमको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, हमने जो ये डेरिवेशन किया वो किस पे किया, Vf by Vi के फॉर्म में, उसकी जगह पे ओके फाइनल प्रेशर एंड ओके इनिशियल प्रेशर के बेस पे भी पूछा जाता है Pf एंड Pi. तो याद रखना अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो Vf by Vi is always equals to okay Pi by Pf according to Boyle's since they are inversely proportional. तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे और एक फॉर्मूला लिखेंगे 2.303 nRT log Pi by Pf. अगर हमें इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया तो हमें ये पता होना चाहिए, बराबर है कि नहीं. ओके वर्क दो जगह पे हमने देखा, तीसरा और एक वर्क देखते हैं, फ्री एक्सपांशन वर्क. फ्री एक्सपांशन वर्क का मतलब क्या होता है कि अगर एक्सपांशन ऑफ ए गैस इज टेकिंग प्लेस इन अ वैक्यूम, गैस एक्सपांड हो रहा है बट ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है, वैक्यूम में हो रहा है, ओके व्हेन पी एक्सटर्नल इज जीरो देन इज कॉल्ड फ्री एक्सपांशन, चाहे वो रिवर्सिबल हो या चाहे इरिवर्सिबल हो. जरा एक चीज जरा ध्यान से समझना, ओके W इक्वल्स टू हमने क्या देखा P एक्सटर्नल इनटू Vf माइनस Vi, बट सिंस P एक्सटर्नल क्या है, अगर P एक्सटर्नल ही जीरो है तो ये क्या हो जाएगा जीरो. ओके नो वर्क इज डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस वेयर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और ओके हमने जो ये वर्क देखा उसको अगर हम यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए, जरा समझते हैं. और एक हमारे पास है आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस का कंक्लूजन क्या होता है एंड उसकी इंटरनल एनर्जी पे क्या इफेक्ट होती है, उसकी इंटरनल एनर्जी पे क्या इफेक्ट होती है. अगर फॉर आइसोथर्मल टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, एक्सपांशन ऑफ एन गैस इज टेकिंग प्लेस इन टू वैक्यूम, जो हमने लास्ट केस देखा ना वही है, यहां पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा और एक्सपांशन ऑफ गैस कहां पे हो रहा है वैक्यूम में, तो ऑब्वियसली वर्क तो जीरो होगा. व्हाई? बिकॉज एक्सपांशन वैक्यूम के अंदर क्या होता है, वर्क जीरो. सिंस इट इज आइसोथर्मल ऑल्सो सो क्यू इज ऑल्सो जीरो. अगर क्यू जीरो है डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा. याद रखना अगर आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस है तो तीनों चीज जीरो है, वर्क डन इज जीरो, हीट एक्सचेंज इज जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो जीरो. ओके आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपांशन, ऊपर खाली हमने फ्री एक्सपांशन देखा था. आगे अगर हम जो हमने ऊपर जितने भी डिस्कशन किए उसको अगर कंक्लूजन करना है तो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, तो जरा ध्यान से ये चीज देखेंगे, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है क्यू प्लस डब्ल्यू. इट कैन बी एक्सप्रेस फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल चेंजेस एज फॉलो. तीन केसेस लेंगे जहां पे इसको हम अलग अलग फॉर्म में देखेंगे. अगर आपके पास आइसोथर्मल इरिवर्सिबल है तो सबसे पहला केस था आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हम जब वर्क कर रहे थे तब, तो उस टाइम पे याद रखना चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो होता है. चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यों जीरो होता है मालूम है, याद रखा, क्योंकि अगर हम सिस्टम पे कोई काम करेंगे ना वर्क देते ना वो एक्चुअली इट विल कन्वर्ट इनटू हीट, इट विल कन्वर्ट इनटू हीट. एंड अगर सिस्टम कोई काम करता है देन इट विल यूज अप हीट. इंटरनल एनर्जी में चेंज हमेशा क्या हो जाएगा जीरो. कौन से केस में, जब आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज हो रहा है, आइसोथर्मल का मतलब ये होगा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, उस टाइम पे ही इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो, और उस टाइम पे डेल्टा यू जीरो, देयरफॉर क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो, और देयरफॉर क्यू इक्वल्स टू क्या मिलेगा माइनस डब्ल्यू. एंड क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू मतलब क्यू इक्वल्स माइनस डब्ल्यू, हमने आगे देखा कि इट्स पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी एफ, डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस होता है, तो यहाँ पे अगर माइनस साइन में यहाँ पे ले लिया तो ये एक फॉर्मूला मिलता है.
वही चीज में अगर आइसोथर्मल ले रहे हो बट रिवर्सिबल चेंज ले रहे हो, क्या ले रहे हो? तो इस बार W का फॉर्मूला हम चेंज करेंगे। Q रिवर्सिबल के लिए वर्क क्या होता था? एनआरटी लॉग ln Vf / Vi, इसकी माइनस साइन हमने यहां पे यूटिलाइज कर लिए। एंड नॉर्मल लॉग में फाइंड करना है तो 2.303 एनआरटी लॉग Vf / Vi। एंड अगर अडियाबेटिक प्रोसेस हुआ, अडियाबेटिक प्रोसेस में मैंने आगे आपको एक न्यूमेरिकल सिखाया, अडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होती है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन अडियाबेटिकली। ये कंक्लूजन है।